हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिशन पॉसिबल विद आजाद। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी स्टोरी, यानी कि एक ऐसा रियल फैक्ट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस है। जैसे कि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लोगों का कहना है कि हम गांव में और शहरों में रहने वाले अक्सर लोग अपने माता पिता और अपने भाई बहन और बच्चों को छोड़कर वो आसानी के साथ विदेश में एक परिंदे की तरीके से उड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्हें शायद पता नहीं कि आखिर वो क्या मजबूरी है, आखिर वो क्या बात है, आखिर वो क्या रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण एक बंदा या एक इंसान जो कि अपने गांव और शहर में रहने वाला अपने पेरेंट्स को छोड़कर मजबूरी में उसे विदेश में एक परिंदे के तरीके से उड़ जाना ही पड़ता है। सो दोस्तों, वो क्या रीजंस हो सकते हैं आगे मैं बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हमें अपने माँ बाप को हमेशा अपने घरों में सुखी देखने के लिए साहेब, हमें अपने घरों को, अपने गांव और शहरों को छोड़ना पड़ ही जाता है। आखिर कौन नहीं चाहता भला अपने माँ बाप के साथ साथ रहना। भाई भाई खुश रहे, बहन बहन खुश रहे और इसी खुशी का चिराग मेरे घर में हमेशा जलता रहे। साहेब, यही कारण है कि हमें अपने गांव और शहरों को छोड़ना पड़ ही जाता है। आखिर भला कौन नहीं चाहता अपने गांव और शहरों में भाई बहन और माँ बाप के साथ रहना। मेरे घर में एक बीवी है और मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मैंने उसे शादी जो रचाई है और उसे भी सुख देने का वादा जो किया है और मेरे बच्चों का एक सही जीवन मिल सके और सुखी जीवन चल सके। साहेब, यही कारण है कि हमें अपने गांव और शहरों को छोड़कर एक परिंदों की तरीके से विदेश में उड़ना पढ़ ही जाता है। आखिर भला कौन नहीं चाहता अपने गांव और शहरों में अपने माँ बाप, भाई और बहन और बच्चों के साथ रहना। सो दोस्तों, आप खुद बताइए कि क्या हमें अच्छा लगता है कि अपने गांव और शहरों को अपने परिवार से छोड़कर विदेश में एक परिंदों की तरीके से उड़ जाना। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।